नमस्कार, मैं तब्रेज श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के पाठ क्रमांक 5.20 के EVS विषय के एक पाठ जिसका नाम है हमारा भावात्मक जगत के बारे में। आज हम इस पाठ को प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार गृह कार्य का। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अध्ययन करते हुए गृह कार्य करवाया जाता है, जिससे पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़कर विद्यार्थियों के अंदर बेहतर समझ विकसित की जा सके। तो आइए इसके क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कॉन्सेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है भावात्मक हाव भाव। इसके लिए जो पूर्व प्रबंध करने की ज़रूरत है वह यह है कि शिक्षक ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि उन्होंने तालिका की प्रतियां प्रस्तुत पाठ से संबंधित बनाई हैं कि नहीं, और ये तालिका की प्रतियां उतनी होनी चाहिए जितनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। फिर शिक्षक तालिका की प्रतियों को बच्चों को देते हुए बोलते हैं कि आपको घर जाना है, अपने अभिभावकों की मदद से अपने हाव भाव और उनके आने के कारण के बारे में आपको लिखना है इस तालिका में। जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर आपको रोना क्यों आता है उसका कारण लिखना है, आपको गुस्सा क्यों आता है उसका कारण लिखना है, और इसके लिए आपको अपने अभिभावकों की मदद लेनी है। फिर बच्चे घर जाते हैं और अपने गृह कार्य को पूरा करके दूसरे दिन विद्यालय आते हैं। फिर शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि जो जो आपने तालिका में भरा है आपको खड़े होकर उसमें जो भी भरी है जानकारी उसको पढ़कर सुनाना है। फिर बच्चे खड़े होकर अपने तालिका की जानकारी पढ़कर सुनाते हैं और पाठ का पुनः अध्ययन भी हो जाता है बच्चों का, जिससे और वो कॉन्सेप्ट को याद रखने में उनको मदद भी मिल पाती है, और जिससे दीर्घकालीन तक उनको कॉन्सेप्ट याद भी रहता है। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। सुनिए, वो पढ़ी रचनाओं घटनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं, वो निष्कर्ष निकालते हैं। बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं, वो अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। बच्चे अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं, वो उनको शब्दकोश से खोजते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसमें क्या निर्देश दिए गए हैं शिक्षकों के लिए। प्रस्तुत पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। नवाचार क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण यानी PTR रेशियो 30:1 को आधार मानकर किया गया है। इसमें NCF 2005 के उद्देश्यों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। इस नवाचार के माध्यम से CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी लाभ होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार गृह कार्य बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित करवाएंगे, हम आशा करते हैं। ऐसे और भी नवाचारी रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे ZIII यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ये वीडियो आप हमारे ZIII फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIII फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।